से आपको लेके आए जी लुधियाना के सबसे पुराने दशहरा ग्राउंड यानी कि दृष्टिक ग्राउंड में। तो अभी दशहरे का आज दिन है और मॉर्निंग का टाइम है, दशहरा फिर पीछे रावण लग चुका है और आपको ये व्यू दिखाते हैं रावण, ये देख सकते हो जो इस बार रावण यहाँ पे तैयार किया गया है। वो कह रहे हैं कि ये इस बार पंजाब का सबसे बड़ा रावण है जो कि 120 फुट है। तो अभी आपको पास जाके दिखाते हैं कि इस बार जो रावण है कैसा बना है। तो ये बने रहे मेरे साथ, तो ये देख सकते हो ये कुछ इस तरह से रावण बनाया गया है मल्टी कलर में। और यहाँ पे बाउंड्री कर दी गई है, रस्सियाँ बांध दी गई हैं यहाँ पे। और इस टाइप जो यहाँ पे इस टाइप तरफ देख रहे हो तो यहाँ पे झूले हैं, मेला भी चल रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं और यहाँ पे रावण का काफ़ी लोग आके माथा भी टेकते हैं, पूजा करते हैं। और यहाँ से जो 9 दिन लोग खेतरी घर में करते हैं वो यहाँ पे जौ चढ़ा के जाते हैं, तो ये देख सकते हो। तो अभी ये रावण, ये आप देख सकते हो बैक साइड से कुछ इस तरह से ये रावण बना हुआ है पूरा। और यहाँ पे कल कुंभकर्ण का किया गया था, तो हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से रावण है। और ये पूरा जो अभी मेला आप देख सकते हो ये पूरा सज चुका है मेला, तो आपको दिखाती है। और यहाँ पे काफ़ी सारा ढेर लग चुका है जौ को लेके, और प्रशासन की तरफ से भी पूरा प्रबंध किया गया है यहाँ पे। और पीछे इस बार, पिछली बार आपने देखा था ब्लॉग में, पिछली बार यहाँ पे जो था सिर्फ जाली लगी हुई थी, तो यहाँ पे पेपर वगैरह नहीं लगे थे, इस बार लगा दिए गए हैं। हालांकि ये कर रहे हैं कि ये पंजाब का सबसे बड़ा रावण है, बट इससे बड़ा रावण देख सकते हो। ये भाई के पास तीर कमान वगैरह हैं और यहाँ पे आप देख सकोगे तो यहाँ पे कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पे मेहंदी वगैरह वाले भी बैठे हुए हैं और यहाँ पे आपको देख सकते हो कुछ इस तरह से टेडी बियर वगैरह मिल जाएंगे। और ये कुछ ऐसे देख सकते हो मिट्टी के बर्तन वगैरह लेके आए हुए हैं और यहाँ पे हैं कुछ लकड़ी के बर्तन। और ये कुछ इस तरह से देख सकते हो, क्या रेट है भैया इसका, कितने का भैया? 150 रुपये की रेंज में ऐसे आपको मिल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो ये भी सेल लगे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं। ये देख सकते हो और यहाँ पे कुछ ये भी फ्लावर वगैरह लगे हैं और इधर खाने पीने का सामान वगैरह रख दिया गया है। और ये देख सकते हो, और यहाँ पे अभी झूले कुछ कुछ शुरू हो गए हैं, कुछ अभी रुके गए हैं। ये देख सकते हो टावर लाइट वगैरह ले रहे हैं और यहाँ पे ये चंडोल वगैरह लगे हुए हैं। और आज काफ़ी धूल उड़ रही है मेले में जैसे कि काफ़ी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं आपको जल्दी एक ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।